ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी की चाह में पढ़े लिखे युवा दर दर भटक रहे हैं और एक एक वैकेंसी की इंतजार में हैं। वहीं कई बार ऐसे ही बेरोजगार युवक नौकरी के लिए फर्जीवाड़े में भी फंस जाते हैं। ताजा मामला रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र का है, जहां दो युवकों से एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी की गई, जहां पीड़ित ने तेलीबांधा थाने में FIR दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पूर्वी दिल्ली का निवासी है और उसने एम्स रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने उसे 3 किश्तों में 5 लाख रुपए दिए। वहीं तेलीबांधा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। निवासी रूपेंद्र कश्यप रायपुर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करता था, जहां उसकी मुलाकात दिल्ली निवासी यशबीर सिंह उर्फ यश कुमार से हुई, जो अपने बहन के इलाज के लिए उस निजी अस्पताल में रुका हुआ था। और उसके द्वारा ये बताया गया कि बोले प्राइवेट नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी उसको दिला सकता है और एम्स में उसकी नौकरी लगा सकता है, और इस तरीके का उसको प्रलोभन और आश्वासन देकर उसने कुछ पैसे की मांग की थी कि जिसके द्वारा एवज में उसको नौकरी मिल जाएगी। तो 5 लाख रुपए जो है वो रूपेंद्र कश्यप के द्वारा दिया गया, साथ ही उसके कुछ मित्रों के द्वारा भी पैसा जमा किए गए थे। इस प्रकार कुल मिला के 15-16 लाख रुपए जो है वो यशबीर सिंह और फयाज कुमार के द्वारा एकत्र कर लिया गया, लेकिन बाद में इनके संपर्क करने का प्रयास कश्यप के द्वारा किया जाता रहा, जो वो संपर्क में नहीं आया, ना ही इनको नौकरी मिल पाई, ना ही इनका पैसा वापस हो पाया था। इस तारतम्य में रूपेंद्र कश्यप के द्वारा थाना तेलीबांधा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसपे 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी यशबीर सिंह और फैज कुमार दिल्ली निवासी की तलाश।